फाइनली मुझे इंडिया टीम के अंदर चांस मिल चुकी है भाई, वो भी टीआरआई सीरीज के अंदर, टी सीरीज के अंदर, सॉरी टीआरआई सीरीज के अंदर भाई। आज हमारा पहला मैच है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। पहले हम लोग को बैटिंग मिल चुकी है और आज मैं तो ओपनर हूँ भाई, पर हाँ आज मैं फेस में करूंगा फास्ट बॉल, और नॉन स्ट्राइक पे है रोहित शर्मा। भाई सोचो कितना लकी मैं हूँ, फर्स्ट टाइम ड्रीम बॉल आ रही है यहाँ पे इंडिया के लिए। यहाँ पे भाई साहब क्या बाउंसर बॉल भाई, भाई ये आईपीएल नहीं है, इंटरनेशनल है भाई, देख के खेलना पड़ेगा। सामने वर्ल्ड कास्ट बॉलर और सामने है मतलब लोअर कास्ट बैट्समैन यहाँ पे। ओ भाई फिर से, अरे चार मिल गई, अरे लिटरली चलो डेब्यू मैच का पहला चार रन, वो भी बैट का एज लग गया, मरते मरते बच गया। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। तू पता नहीं चार खाने के भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर आ चुकी है, मानना पड़ेगा। ओ भाई साहब चलो सिंगल रन तो आ चुकी है यहाँ पे, अच्छी बात है। अरे फिर से यहाँ पे ओवर थ्रो और एक सिंगल रन लूंगा, आपके टोटल टू रन। ओवर का लास्ट बॉल है, सिंगल लूक गया यहाँ पे, चलो सिंगल ले लेते हैं यहाँ पे। अरे गैप पे क्या बात है, वर्ल्ड क्लास बॉलर को हम लोगों ने जमीन पे पेट किया पे मारा, वही बात है भाई। ये सब होने के बाद कॉन्फिडेंस ऐसे आप हो जाता है। और मैं जो किटबैग यूज कर रहा हूँ भाई, मैं दिखाता हूँ भाई, क्योंकि ऐसे शॉट खेलने के लिए भाई एक अच्छा खासा किटबैग तो चाहिए यहाँ पे। मैं यूज करूँ भाई प्रो किट भाई, भाई इसके अंदर स्ट्रोक शॉट भाई बहुत ही अच्छा लगता है भाई, आप लोग भी यूज करना। फिर से टीम सऊदी मेरे सामने यहाँ पे बॉलिंग कर, अरे यार मतलब इतना बाउंस कैसे हो सकता है भाई। ये टीम सऊदी का रनर देखो भाई, मतलब बॉल करते करते साइड में बैट में बॉल लग गया भाई, LBW नहीं हुआ, बच गया हम लोग भाई। बॉल करते करते ऐसे भी चला जाता है यहाँ पे, मतलब खेलने के लिए मुश्किल होता है। और कर बॉल भाई, मेरा वीक पॉइंट पे बॉलिंग करने का इन लोगों का इरादा, अरे वीक पॉइंट पे बॉल भाड़ में जाए भाई यहाँ पे, क्या चार रन यहाँ पे, मतलब फुल टॉस बना दी भाई, मतलब बॉल पे ड्रॉप नहीं खाया यहाँ पे, शाबाश। एक्चुअली पहला हमारा डेब्यू मैच है भाई, मतलब मेरा डेब्यू मैच है, इसलिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो खेल रहा हूँ। पहले बॉलर को पिच को समझ भी दो, क्योंकि इंटरनेशनल है ना। चीन टपाक डम डम, मिचेल सैंडर आई है बॉलिंग करने यहाँ पे, पर देखते हैं मिचेल सैंडर कितना अच्छा बॉलिंग कर पाते हैं। अच्छा बॉलिंग तो कर रहा है फिलहाल, मैं इस टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ बैट्समैन हूँ, नो बॉलर। थोड़ा सा मारना होगा भाई, क्योंकि पावर पे के अंदर बहुत रन बटोरना है यहाँ पे। अरे यार ये टाइमिंग क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, मैं कंफ्यूज हो गया भाई बात करते करते। लेग साइड के अंदर थोड़ा सा गैप दिख रहा है मुझे, क्योंकि फील्डिंग यहाँ पे और बैट का एज भाई। टर्न पी इस पिच के अंदर बाउंसर भी है, टर्न भी है, मतलब ड्रीम पिच है भाई बॉलर के लिए। थोड़ा सा आगे बॉल है, ये बॉल तो भाई लेग स्पिन बॉल है, यहाँ पे मानना पड़ेगा। ओ शिट मैन, बे साले इसी बात का डर रहा था भाई, इसी बात का डर रहा था, बॉल फिर से स्पिन कैप में फंस गया भाई, और फील्डर था मतलब क्या लो हैंड कैच पकड़ा यहाँ पे स्पाइस करके वापस। ये कैच देखो भाई, मतलब लो हैंड कैच भाई, लिटरली मिस कर देता। पहला इनिंग्स तो खत्म हो चुकी है, 20 ओवर खत्म होने के बाद 211 रन, और न्यूजीलैंड का टारगेट है 212। अब देखते हैं मुझे बॉलिंग देते ही नहीं, नहीं मुझे बॉलिंग नहीं दिया गया, मतलब मैं तो बॉलर नहीं हूँ भाई, मैं तो बैट्समैन हूँ यहाँ पे। और आज क्या मैंने अपने मैच रिंकू सिंह को मिला यहाँ पे, पता नहीं भाई मुझे कब मिलेगा यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर, अभी नेक्स्ट मैच तो और भी बड़ा है भाई, लिटरली ऑस्ट्रेलिया के साथ यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग करेगा, मतलब नहीं इंडिया सबसे पहले बॉलिंग करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने बनाई यहाँ पे टोटल 153 रन, टारगेट है 154। देखते हैं भाई बड़ा टीम के साथ हमने कैसे परफॉर्मेंस करता हूँ। मुझे भाई खुशी भी हो रही है और नर्वस फील भी हो रही है, क्योंकि सामने है वर्ल्ड चैंपियन टीम भाई। पता नहीं भाई ये पिच कैसा होगा, मेरे फेवर के अंदर होगा कि नहीं भाई। आज भाई थोड़ा हम लोग मार के खेलेंगे भाई, नो सिंगल नो डबल। देखते भाई बल्ला चलाते हैं, थोड़ा सा बाउंसर आ रहा है यहाँ पे, बैक फुट शॉट, बेंजो का बोली। अब भाई लगी बॉल मेरे कमर पे, पर यहाँ पे दर्द दिखा रहा है मेरे कंधों में, पर कैसे भाई, पर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इंजरी हो गया यहाँ पे, तो वॉलिनी में आ चुके हैं वॉलिनी स्प्रे करने के लिए। स्लॉट में गेंद है भाई, मेरे जोन पे बॉल आ रही है यहाँ पे, स्टेप आउट एंड चार, अरे चार ही मिलेगा मुझे, ना सिक्स मिलने वाली है यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, अब जाके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आई। फिर से सेम बॉल आ रही है यहाँ पे भाई, फिर से सेम स्विंग यहाँ पे देखा जाए तो, फिर से स्टेप आउट। अरे क्या बात है, मुझे लग रहा है भाई हम लोग रिप्ले देख रहे हैं, पर नहीं भाई, मतलब ये शॉट भाई परफेक्शन है। फील्डिंग चेंज करती स्लिप भी लगा दी इन लोगों ने यहाँ पे, चार रन। अरे वहां से फील्डिंग अभी हटाया था यहाँ पे, आज बल्ला भाई चल रहे हैं यहाँ पे भाई, सेम किट से खेल रहा हूँ, प्रो किट से। सोचो सच में ये ओवर मेरे लिए मेमोरेबल है भाई, क्योंकि यहाँ पे तीन बॉल में तीन चार, वो भी भाई इतने बड़े बॉलर को मार दिया हम लोगों ने, वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने। ये तेज गेंद है भाई, मानना पड़ेगा, इन स्विंगर बॉल है, वो भी स्लॉट में यहाँ पे, चार रन। ये शॉट खेल के भाई पिछला मैच में आउट हुआ था, पर इस बार गलती भी नहीं करूंगा, मुझे पता है। ये ओवर अच्छा जा रहा है भाई, मानना पड़ेगा यहाँ पे भाई, स्लॉट में गेंद है और ऊपर की तरफ यहाँ पे खाली है, स्टेप आउट एंड सिक्स, पहला सिक्स। डेब्यू मैच के अंदर नहीं कर पाया, पर सेकंड मैच के अंदर सिक्स भाई। एक बार रिप्ले देखो भाई, मतलब जबरदस्त भाई, मतलब ड्रीम शॉट है भाई ये। अच्छा बॉल है, यॉर्कर बॉल डाल रहे हैं यहाँ पे, अरे फिर से ओम भाई बच गया, अगर बैट का एज ना लगता सीधा विकेट पे स्टंप गिल्ली उड़ी। फिर से यहाँ पे बाउंसर, फिर से शॉर्ट पिच गेंद, अरे ये गेंद तो लगी हो
मेरा हेलमेट फोड़ेगा भाई, ये लोग इतना बाउंसर मार रहा है। नो बॉल दे दी, ये हुई ना बात। दो बॉल पे सिक्स तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, स्टेप आउट गारंटी पे शॉट। अगर हम लोग ऐसे स्ट्राइक रेट से मतलब खेलते रहे तो भाई आराम से मतलब ये मैच जीत सकते हैं। और भाई मतलब ये मतलब परफॉर्मेंस अगर अच्छा किया इस सीरीज के अंदर तो वर्ल्ड कप के अंदर चांस मिल सकता है। यॉर्कर आ रहा है भाई, यॉर्कर देख के भाई पता नहीं मुझे बहुत पसीना छूट जाता है। नाइस शॉट, पर फील्डर है रे, चार मिलना चाहिए था। नथन एलिस भाई थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आगे बॉल डाला यहाँ पे, शॉट पीछे की ओर भाई, ये सिक्स हो सकता है। नथन एलिस, ये है बांग्लादेशी एलिस, नॉट नथन एलिस। यहाँ पे भाई अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस बार को स्टेप आउट कर सकते हैं भाई, क्योंकि थोड़ा सा आगे बॉल डाला भाई। अरे गलत, क्या कर दिया भाई, मतलब अच्छा बॉल था, उछाल है इस बॉल के अंदर भाई। फील्डिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, कहां से मैं गैप ढूंढूं इस फील्डिंग के अंदर। फिलहाल यहां पे सिगल से काम चलाते हैं भाई, सेट तो हो चुका हूं। ये है बांग्लादेशी एलिस नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन एलिस, नथन एलिस, नथन एलिस। सिक्स सिक्स, यस। मतलब भाई नथरिस को आज फेल दिया भाई, मतलब हर एक बॉल भाई मेरे जोन पे आ रही है। फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ गेम कर रहे हैं, मतलब ये बार बार ऐसी गेम क्यों कर। अरे नहीं भाई, इस कनेक्शन नहीं बना तू। खूबसूरत गेंद और फील्डर के लिए आसान सा कैच। 50 के बहुत पास थे भाई, 50 के बहुत पास थे, हाफ सेंचुरी हो जाता। ये क्या हो गया भाई, फिर से सेम गलती नहीं है, पर अच्छा खेल रहा था या स्ट्राइक रेट भी अच्छा था। और इसी के साथ भाई यहाँ पे मतलब मैच खत्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इंडिया 7 विकेट से मैच जीत चुकी है और विराट कोहली हो गया मैन ऑफ द मैच। आई मेरे हो जाता भाई इटली, अगर वो वाला विकेट ना गिरता तो मैं मैन ऑफ द मैच मिल जाता। अभी देखते हैं भाई हमारा इंडिया टीम कहाँ पे खड़ी है यहाँ पे। अरे टॉप में है भाई, ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन तो हो जाएगा, पर देखो भाई नेक्स्ट मैच के अंदर भाई अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे, किट वगैरह चेंज करेंगे, पर सेंचुरी मारना है। ऐसा लगा आज का मैच मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना, अगर अच्छा लग रहा है तो भाई वो भी अप्रिशिएट कर देना, पर आउट हो गया कोई बात नहीं, पर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो भाई चैनल को कर देना जरूर सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। मिलेंगे हम लोग RCPL के वीडियो के अंदर।